रामगढ़ जिले के करमा बूढ़ाखाप में स्टील फैक्ट्री के गेट के समक्ष ग्रामीण पिछले 3 दिनों से धरने पर है। ग्रामीणों ने कहा कि फैक्ट्री के प्रदूषण से इन लोगों का जीना मुहाल है। कुल जहां फैक्ट्री में ताला बंद करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्लांट में गिरने वाली लोडिंग गाड़ी की कतार भी लग गई है। 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है और प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। बचवा के आँख में गर्दा घुस गए मस ले कारण से कैंसर पकड़ ले, कैंसर से ही बचवा जिंदगी बैठ गए चल गए बचवा हमारे छोड़ के रोंगटा के कारण आलोक स्टडी आलोक फैक्ट्री के कारण ही मृत्यु भ गए। इस आलोक स्टील प्लांट के चलती हमार बेटा बेटी के शादी ना है लगल है और सब टूट जाए लगल है, बिखर जा लगल है कि हम ये प्रदूषण नहीं हम ना देवे बेटिया कह देवे प्रदूषण में चल हम कहीं ना दे देवे टूट जा है। यह कारण आलोक प्लांट के चलती हमारे बाल बच्चा। नमस्कार, बाइस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं करमजीत सिंह जगी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पिछले लगभग 3 दिनों से ये लोग धरने में बैठे हैं। बता दें कि यहाँ पर जो है एक फैक्ट्री है आलोक स्टील, ठीक है, उसके प्रदूषण से लोग इतने परेशान हैं कि आज इनको मजबूरन धरने में बैठना पड़ गया। और अब दुख की बात बताएं कि 4 दिन पहले एक छोटे से बच्चे की मौत हो गई इस प्रदूषण के कारण, ये ग्रामीणों का कहना है। आज आप मेरे कमरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि जो ग्रामीण है वो बिल्कुल यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीण कैमरे के माध्यम से उनको दिखाना चाहेंगे कि देखिए इन लोगों का मांग है, ये लोग कह रहे हैं कि अब बस फैक्ट्री बंद होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। हम ग्रामीणों को एक ही नारा है प्रदूषण मुक्त गांव हमारा, हम ग्रामीणों को एक ही नारा है प्रदूषण मुक्त हमारा, ये सब नारों के साथ में जो है ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग इनसे अगर बात करने की अगर कोशिश भी करते हैं तो अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण से समस्या तो है ही, जिसके चलते 3 दिनों से धरने बैठे हैं और चाहते हैं कि जब तक उच्च स्तरीय के लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक तो हम लोग यहाँ पर इस धरने में बैठे रहेंगे। आइए ना कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, आइए इनसे बात करते हैं कि 2 दिन पहले पता चला कि बहुत दुखद आपके साथ हुआ, क्या हुआ था बच्चे को? कैंसर हो गया था। अच्छा, तो क्या क्या मतलब कि किसके कारण हुआ? मतलब प्रदूषण के कारण हुआ था। अच्छा, तो कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये लोग जो है मतलब जो है काफी प्रदूषण से मतलब काफी परेशान है और लोगों से बात करना चाहेंगे। और तो देखिए ये लोग इतना आक्रोशित है कि किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है, किसी को निकलने नहीं दे रहे हैं, किसी को बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गेट को है जाम कर दिए हैं। आइए ना कुछ लोगों से और बात करते हैं। बताइए क्या क्या तकलीफ है आपको? बताइए क्या तकलीफ है? प्रदूषण से हम लोग को बहुत तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खाना खाते उस पर दिक्कत होता है, हर चीज पे सब्जी वगैरह लगाते उस सब में कुछ हम लोग को होबे नहीं करता है, पोषण कुछ भी लगाते तो नहीं होता है, पेड़ पौधा भी उसी तरह सांस लेने में भी दिक्कत होता है, प्रदूषण से सब कुछ उसी से दिक्कत है। प्रदूषण हम लोग यही चाह रहे हैं कि प्रदूषण बंद करे, डीप बोरिंग बंद करे यहाँ। तो लगातार यहाँ प्रदूषण होता रहता है? हाँ होता रहता है, हमेशा होता रहता है। तो देख सकते हैं कि ग्रामीण गोलबंद है, इतना प्रदर्शन से इन लोगों को इतना तकलीफ हो गया है कि अंत में हार कर यहाँ पर अब गेट के सामने बैठ गए हैं, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है ना अंदर से कोई लोग बाहर आ पा रहे हैं। तो इस वक्त मैं रामगढ़ से करमजीत सिंह जग्गी बाइस्कोप।